हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको कच्चे आलू की चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि खाने में तो टेस्टी होता ही है और साथ में इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। आप अगर इसे एक बार बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कच्चे आलू की भी चटनी इतनी टेस्टी हो सकती है। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए हम एक आलू को छील कर धोकर रख लिए हैं, इसका अब हम चटनी बनाएंगे। इस आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर पानी में डाल देंगे। इधर हम गैस को ऑन करके गैस पे कढ़ाई चढ़ा दें, फिर दो सूखा लाल मिर्च ऐड करेंगे और 8-10 कली लहसुन छीला हुआ ऐड कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे। अब ये रोस्ट हो चुका है। इधर हम एक मिक्सी का जार लेंगे, मिक्सी के जार में कटे हुए आलू को ऐड करेंगे। आलू डालने के बाद फिर इसमें भुना हुआ लहसुन और सूखा लाल मिर्च जो हम रोस्ट करके रखे हैं वो ऐड कर देंगे। सूखा लाल मिर्च के साथ साथ ही दो हरी मिर्च को भी हम तोड़कर ऐड कर देंगे। हरी मिर्च डाल चुके हैं, अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर दे रहे हैं। आप इस चटनी को पूरी, पराठे, समोसे, कचौरी सभी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। आलू की चटनी पीस के रेडी है। अब चलिए इस चटनी को हम एक बाउल में डाल देते हैं। अब हम इस चटनी में 1.5 चम्मच नींबू का रस ऐड कर दे रहे हैं। नींबू का रस ऐड करने के बाद फिर इसमें 4-5 बूंद सरसों का तेल वो भी ऐड कर दे रहे हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। चटनी खाने के लिए रेडी है। आप इस कच्चे आलू की चटनी को बनाइए और खाइए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।